आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक ऑयल सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। लेकिन ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा और कुछ जानना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पर है एक आइसोलेटर, ठीक है। आप इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है आइसोलेटर में, देखो यहाँ पर कुछ इंसुलेटर है और नीचे एक हैंडल है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर आइसोलेटर के साथ क्या कनेक्ट है, आर वाई बी, तीनों फेस यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। और ये आइसोलेटर क्या करता है, एक सर्किट को ब्रेक करने के लिए और क्लोज करने के लिए काम आता है, ठीक है। आइसोलेटर एक सिंपल एक स्विच है। अब मान लो इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, हेवी करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में से। अब जैसे ही हम आइसोलेटर को ओपन करते हैं, ये आइसोलेटर बेसिकली पोल के ऊपर होता है, लेकिन मैं आपको आसानी से समझाने के लिए मैं इसे नीचे दिखा रहा हूँ, ठीक है। बस आपको समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। जैसे ही हम लोड कंडीशन में अगर हम आइसोलेटर को ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक आर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये आर्क जब प्रोड्यूस होता है तब बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसके कारण ये जो आइसोलेटर है ये खुद भी डैमेज हो सकता है और इस आइसोलेटर के आसपास जितने भी इक्विपमेंट है सब कुछ डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए इस आर्क को रिड्यूस करना ज़रूरी है। इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आर्क एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। उसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, एयर सर्किट ब्रेकर होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। लेकिन आज हम समझेंगे एक ऑयल सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, ठीक है, और ऑयल सर्किट ब्रेकर इस जो आर्क प्रोड्यूस होता है इस आर्क को कैसे रिड्यूस करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है एक सिंपल ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसके अंदर उतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं होता, सिंपल फंडा होता है। जैसे ही मैं आपको समझाऊंगा आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये है एक मेटल टैंक, ठीक है। यही ऑयल सर्किट ब्रेकर, मतलब इसके अंदर ऑयल रहता है, ये पूरी तरीके से मेटल से बना हुआ होता है। ऊपर आपको फोर सेलिंग का इंसुलेटर आपको दिख रहा है। ये जो वायर अंदर गया है, मान लो ये वायर आर गया है तो आर ही निकलेगा, मतलब इसमें से जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट इसमें से बाहर आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इस ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या क्या मेकानिज्म रहता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर, मतलब इसके अंदर तो ऑयल कन्फर्म होगा। आपको मेकानिज्म दिखा रहा हूँ कि मेकानिज्म कैसे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको तीनों कॉन्टैक्ट दिख रहा है, ठीक है। ये दो कॉन्टैक्ट आपको दिख रहा है, इसे हम कहेंगे फिक्स कॉन्टैक्ट। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये है मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड ये जो मेटल टैंक है, ये मेटल टैंक पूरी तरीके से ऑयल से फिल नहीं होता है, ठीक है। ऊपर देखो कुछ जगह बचा है एयर के लिए और गैस के लिए, और ऊपर से गैस निकले की जगह भी है। ऊपर एक रिले रहता है, वो रिले क्या करता है, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये मूविंग कॉन्टैक्ट ऊपर नीचे करता है वो रिले। लेकिन रिले का जो मेकानिज्म है वो मेकानिज्म बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आर्क को हम कैसे कम टाइम में हम कैसे आर्क को बुझा सकते हैं, ठीक है। अब लोड कंडीशन में, मतलब जब ये ऑयल सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन में होगा तब ये तीनों टर्मिनल एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तब इसमें से करंट फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही फॉल्ट करंट फ्लो होगा ये मूविंग कॉन्टैक्ट क्या होगा, नीचे चला आएगा। इस सर्किट को ओपन कर देगा और इसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको दिख रहा है कि जब आइसोलेटर को हम ओपन करे थे तो क्या होता, उसमें से एक आर्क प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब वो आर्क जितना टाइम रहेगा उतना हीट प्रोड्यूस होगा और इंस्ट्रूमेंट डैमेज होने का चांस उतना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अब उस आर्क को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज करते हैं, ठीक। अब जैसा कि यहाँ पर ये जो टर्मिनल ए भी ओपन हो रहा है तो यहाँ पर भी एक आर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब मैं आपको एनिमेशन में दिखा रहा हूँ, देखो ये है वो टैंक, मेटल टैंक, इसके अंदर तीनों कॉन्टैक्टर है, मतलब ये फिक्स कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है, तीनों है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ऑयल भी है, ट्रांसफार्मर ऑयल भी है यहाँ पर। अब जैसे ही देखो ये मूविंग कॉन्टैक्ट जैसे ही नीचे आएगा ना, यहाँ पर भी आर्क प्रोड्यूस होगा, सेम आर्क जैसे आइसोलेटर में प्रोड्यूस हुआ था सेम आर्क यहाँ भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब वो आर्क क्या करेगा, जब आर्क प्रोड्यूस होता है ना वो आर्क बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में होता है, ठीक है। पहले तो वो आयनाइज पार्टिकल होता है और उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाईली टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर क्या करेगा, ये जो आपका जो ऑयल है इस ऑयल को भी हीट कर देगा, मतलब गर्म कर देगा। अब जैसे ही इस ऑयल को हीट करेगा ना तो क्या होगा, इस ऑयल में से एक गैस निकलेगा,
ठीक है, कौन सा गैस है? वो है हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस बबल के रूप में निकलेगा, ठीक है। अब बबल के रूप में जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना, वो अब हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, ये जो आर्क प्रोड्यूस हुआ है उस आर्क की एनर्जी को पूरा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और जितना जल्दी वो एब्जॉर्ब कर लेगा उतना जल्दी आर्क पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आर्क की एनर्जी अगर खत्म हो जाए तो आर्क पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो वही है मेन फंडा और कुछ नहीं। ट्रांसफॉर्मर ऑयल इसलिए होता है, जैसे ही ये आर्क प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूस होकर इस ऑयल को गर्म करेगा तो इसमें से क्या होगा, एक आपका गैस निकलेगा हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस बबल के रूप में निकलेगा और वो बबल क्या करेगा, मतलब वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, ये जो आर्क है इस आर्क की एनर्जी को फुल्ली एब्जॉर्ब करके, अब जैसे ही इस आर्क की फुल एनर्जी को आपका हाइड्रोजन गैस फुल्ली एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये आर्क बुझ जाएगा और कुछ नहीं। तो यही है मेन फंडा ऑयल सर्किट ब्रेकर का। ऑयल सर्किट ब्रेकर हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि कम टाइम में हम आर्क को पूरी तरीके से बुझा सकते हैं, तो इसीलिए हम ऑयल सर्किट ब्रेकर को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको दिखा था नॉर्मल आइसोलेटर में आर्क बहुत टाइम तक था, लेकिन ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऐसा नहीं होता, एकदम कम टाइम के अंदर आर्क को हम बुझा सकते हैं, ठीक है। और यही है मेन फंडा, एकदम सिंपल फंडा है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।